भूरे रतवे नामक बीमारी से जूझ रहे कृषि वैज्ञानिकों को 20 सालों बाद अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल हुई है। देश के एकमात्र राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल, क्षेत्रीय केंद्र शिमला और सिडनी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में चल रहे शोध से LR80 नामक जीन की पहचान संभव हो पाई है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि ये जीन हमारे ही लैंड ट्रेस में पाई गई है, जिसे हिमालय क्षेत्र में पहचाना गया है। इससे भूरे रतवे के खिलाफ जो कार्य किया जा रहा है उसे और बल मिलेगा। इस जीन को अन्य किस्मों में समावेश करके ऐसी किस्में विकसित करेंगे जो न केवल भूरे रतवे के प्रति रोधी होंगी अपितु पैदावार भी ज्यादा होगी। किसानों को इससे काफी फायदा होगा और उन्हें दवा आदि पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये पर्यावरण संतुलन में भी सहयोगी होगा। ये जो जीन है LR80 जीन है, ये पहली बार पांचवी जीन है जो कि हमारे इस भारतवर्ष से भूरा रतवा की बीमारी के अगेंस्ट आइडेंटिफाई की गई है। और जो ये भूरा रतवा जीन है, ये नया तरह का जीन है जो कि अभी तक भी हमारे जितनी भी भारतीय प्रजातियां गेहूं की उत्पन्न की गई हैं उसमें अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। और इस तरह से हम जितनी भी हमारी गेहूँ की प्रजातियाँ हैं उसके अगेंस्ट बहुत ही जो भूरा रतवा के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। इस जीन के आ जाने से जो भूरे रतवे के प्रतिरोधी किस्मों के विकास का कार्यक्रम है उसको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा और जो आने वाली किस्में होंगी उनमें हम समय और परिस्थिति के अनुसार इन जीन का समावेश करके ऐसी किस्मों का विकास करेंगे जो ना सिर्फ रतवे से प्रतिरोधी क्षमता दिखाएंगी बल्कि जो उत्पादन है उसमें भी उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे।